नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है। सीएम शिवराज ने कहा, हमने आरक्षण दिलाया, तुमने क्या किया? बंटाधारो, सिर्फ बंटाधार के अलावा तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ भी कर लो, न्याय हो गया है, सीएम शिवराज ने कहा। तो ये आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि खिसियानी बिल्लियां खंभा नोच रही हैं। सीएम शिवराज की तरफ से ये तंज किया गया है कांग्रेस पार्टी पर, और हमने आरक्षण दिलाया, तुमने क्या किया, बंटाधारो, ये सवाल किया है सीएम शिवराज ने। और साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ बंटाधार के अलावा तुमने कुछ नहीं किया है और तुम कुछ भी कर लो, न्याय हो गया है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार दोनों पार्टियों के बीच और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल इसी बीच में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज की तरफ से कांग्रेस पर यह तंज कसा गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि सियानी बिल्लियां खंभा नोच रही हैं, और इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि तुम लोगों ने क्या किया, बंटाधारो, हमने आरक्षण दिलाया, तुमने क्या किया, सिर्फ बंटाधार के अलावा तुमने कुछ नहीं किया। सीएम शिवराज की तरफ से यह तंज कसा गया है। ये बड़ी जानकारी, ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज ने यह तंज कसा है। लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज होती जा रही है, और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तुमने क्या किया बंटाधारो, सिवाय बंटाधार के तुमने कुछ किया नहीं, और आज भी भ्रम पैदा कर रहे हैं, बंद कर दो, फलाना कर दो, धमका कर दो, खिसियानी बिल्लियां खंभे नोच रही है, तुम कुछ भी कर लो, न्याय हो गया है, अब हमने तो दिला दिया, तुमने क्या किया बंटाधारो, सिवाय बंटाधार के तुमने कुछ किया नहीं, और आज भी भ्रम पैदा कर रहे हैं, बंद कर दो, फलाना कर दो, धमका कर। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू दीप्ति जी। के मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि जिस तरह से सीएम शिवराज ने जो बातें कही हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? दीप्ति जी, देखिएगा, ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का पूरा परिदृश्य साफ हो चुका है, और इस बड़े तबके में जिसकी आबादी का फीसदी 56 है, वो 56% आबादी में यह बात घर पर बैठ गई है उनके कि शिवराज सिंह जी ओबीसी विरोधी हैं, और उसका सीधा प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में 3 ओबीसी मुख्यमंत्री हुए, आदरणीय उमा भारती जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, और 15 सालों से मामा जी ओबीसी के मंत्री रहे हैं। और ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यदि ये टिप्पणी दी है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ट्रिपल टेस्ट में फेल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट भी राजनीतिक दल नहीं है, तो जिन्हें सुप्रीम कोर्ट प्रमाणित कर रही है कि सरकार असफल साबित हुई है और असफल ओबीसी वर्ग को लेकर हुई है, अब उसके बाद शिवराज सिंह जी कितनी भी अपना पीठ ठोक ले। ठीक है, के मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हितेश जी। हितेश जी, देखिए, जिस तरह से सीएम शिवराज का बयान सामने आया, उसको लेकर के मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना, अब आपकी तरफ से क्या होगा इस पर जवाब? देखिए, क्रोनोलॉजी को समझिए, अच्छे खासे 26% से चुनाव हो रहे थे, विवेक तनखा और कांग्रेस के लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण शून्य कर दिया। इन लोगों ने विभिन्न विषयों पे याचिका लगाई थी, विवेक तनखा खुद इसके वकील थे, और ना सरकार गई थी ना बीजेपी गई थी, ये लोग सब गए थे। अब जब शून्य कर दिया तो उसके बाद विधानसभा में संकल्प पारित करवाया शिवराज सिंह चौहान जी ने कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे, और सरकार ने अपने प्रयास शुरू करे, और जो अंतिम फैसला डायरेक्टिव आया है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने जो ओबीसी कल्याण आयोग है उसके प्रयासों को स्वीकार किया और उसको अनुमति दी कि आप ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव कराएं, और सरकार पर विश्वास जताया। और आपको यहाँ मैं बता दूं कि कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने अपने पूरे जीवन में कभी ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव, सर्कुलर, विधेयक कुछ नहीं लेके आए चुनाव में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने में। ये बार बार नौकरियों के लिए जो अध्यादेश लाए थे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सवाल किया जा रहा है तेजी की
क्या किया, और इसके साथ ही जिस तरह से सीएम का भी स्टेटमेंट सामने आया है कि उन्होंने भी सवाल किया कि तुम लोगों ने क्या किया बंटाधारों, तो के मिश्रा जी आप जरा जवाब दीजिए कि क्या आप लोगों ने क्या क्या किया। देखिएगा कांग्रेस ने क्या किया है ओबीसी के लिए, उसका सीधा प्रमाण है कि माननीय अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए महाजन आयोग गठित किया। देन जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 14% आरक्षण ओबीसी को दिया, और माननीय कमलनाथ जी ने इन सबसे इतर 27% आरक्षण न केवल दिया बल्कि उसे लागू करवाने की भी कोशिश की। 27% किया, पहले आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको भी झेला है मिस्टर वाजपेयी। स्पेसिफिक सवाल है, आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको भी झेला है। अभी बातचीत हो रही है, डोंट टॉक टू मी, मुझसे जो पूछना है मुझसे जो पूछना है आदरणीय एंकर दीपी जी पूछेंगी। हु आर यू, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करने वाले आप लोगों ने, तो जिसका जवाब के मिश्रा जी दे रहे हैं, तो हितेश जी आप जरा सुन लीजिए उनका जवाब। इन्होंने कभी दिए ही नहीं, क्या जवाब सुन ले आप भी। अरे तो आप मत सुनिए ना, फोन बंद कर दीजिए, आप नहीं सुन सकते। तो आपको मैंने आमंत्रित नहीं किया है, आपको चैनल ने आमंत्रित किया है, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलने के लिए थोड़ा ना किया है, ठीक है आप नहीं, तो आप मुझे बोलिएगा ना। दूसरे पर टिप्पणी करने के बजाय एक दूसरे पर टिप्पणी करने के बजाय वाजपेयी जब आप मेरी बात हो रही तो आप मुझे सुनिए मैंने अभी आपको झेला है ना, तो आपको मुझे झेलना होगा। हु आर यू, आप कौन हो, मुझसे जो पूछना है आदरणीय एंकर पूछेंगी, आप मुझसे पूछने के लिए बाध्य नहीं है। ओबीसी चुनाव को लेकर आप इसलिए कि मैंने आपकी दुख की नजर दबा रहा हूँ, कांग्रेस ने क्या किया। हितेश जी आपको जो बोलना है आपको भी मौका दिया जाएगा, के मिश्रा जी अपना जवाब दे रहे हैं, उनको अपना जवाब पूरा कर लेने दीजिए। मुझे अपना जवाब पूरा करने दीजिए, और ये गंदी आदत आप बंद कीजिए। नहीं आप ये गंदी आदत जो आपकी है ना बीच बीच में उचकने की, वो बंद कीजिए। आप जो कहना चाह रहे हैं पहले अपनी बात आप पूरी कर लीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जरूर बनते हैं मगर आप बोलना की बात है, आरक्षण का कितने लाइन की बात है ये आप तय करेंगे क्या? आप विषयांतर क्यों करते हैं? आप मेरी बात सुनिए, आप समझ आया कर देंगे क्योंकि आपको सच सुनने की आदत नहीं है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण का कब लाएंगे, फिर पूछ रहा हूँ। अरे मगर हुआ रही, आप कौन, आप कौन है? आप ये व्हाट्सएप खेला कीजिए, जब मैं लाइन पर हूँ तो आप मेरे से बकवास मत करा करें। आप नहीं बकवास आप कर रहे हो, झूठ आप बोल रहे हो। नहीं जब मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों बीच में उछल रहे हैं? बकवास करते हो आप सीनियर आदमी हो कि आप नए बच्चे हो? नहीं नहीं आपका तो समझ में ही नहीं आता कि आप, नहीं आप मुझे समझा भी नहीं सकते, यू आर नॉट माई प्रोफेसर। अरे प्रोफेसर नहीं, मेरा तो सवाल कर रहा हूँ। आप समय जाया मत कर दिए चैनल में, आप समय जाया मत कीजिए, आप समय पूरा करते हो क्योंकि सच सुन नहीं सकते हो। आपकी विचारधारा सच सुनने की आदी है ही नहीं, फर्जियों का समूह है। देखिए प्लीज आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज एक दूसरे पर टिप्पणी करने के बजाय प्लीज आप लोग एक एक करके सवालों का जवाब दीजिए। देखिए हितेश जी आप लोगों की तरफ से सवाल ये किया गया कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए, तो ओबीसी आरक्षण के लिए, तो अब जवाब दे रहे हैं तो जवाब आप सुन लीजिए ना, उसके बाद प्लीज आप भी अपना जवाब रखिएगा। के मिश्रा जी जवाब दीजिए क्या क्या किया आप लोगों ने। मैंने भाई आपसे कहा जो सच हमारे मित्र लोग सुन नहीं पाते हैं कि माननीय अर्जुन सिंह जी ने महाजन आयोग बनाया, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 14% आरक्षण किया, माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण किया, और आज भी हम अपने बयान पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कायम है। फिर आप मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, किसने कहा बोले बीच में? अरे भाई आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? मारोगे क्या करोगे? धमकी नहीं मारो, मारेंगे नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। से आप लोग बयानबाजी मत करिए, आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण पूछ लीजिए ना, कब किया है इन्होंने? कमलनाथ जी ने 27% बता दिया। आपकी जब आपका टेन्योर आया तब आप बोलिएगा, आप एंकर हैं क्या? आप इतनी बात की आप एंकर हैं क्या? आप सब तरफ से उलझ गए तो आप बीच में क्यों बीच में डांस बताते हैं? आप बोलने दीजिए हमको, आरक्षण आपने कब किया बता दीजिए। भैया अर्जुन सिंह जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी कौन है? ओबीसी आरक्षण 27% कब दिया वो जानना चाह रहे हैं, तो आप बता दीजिए, क्योंकि लगातार आपसे यही सवाल आप लोगों से किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अभी सीएम का भी जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने भी यही बोला है कि आप लोगों ने बंटाधार के अलावा क्या किया है। के मिश्रा जी नहीं आप देखिएगा, यदि ऐसी बांस होगी तो कम से कम मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल आप उनकी बातों पर अभी ध्यान मत दीजिए, सवाल मेरा आपसे यही है।
तो यहाँ पर आप दोनों लोगों से निवेदन यही है कि प्लीज जब भी आप लोग जुड़िए तो एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी करने के बजाय और जो सवाल किया जाता है उस सवाल का सामना करना होता है, वो चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि आप एक लोकप्रिय चैनल से जुड़े हुए हैं और इस पर अपनी बात रख रहे हैं, तो अपनी बात को सही तरीके से रखें, ये ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हितेश वाजपेयी जी, जिस तरह से लगातार आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, और इसके साथ ही जब के मिश्रा जी जवाब दे रहे थे, हालांकि आपने सुना नहीं, लेकिन जिस तरह से जवाब आप लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आखिर कैसे इस तरह से कैसे आगे बातचीत हो पाएगी? एक लाइन का प्रश्न है, ये लोग घुमाते हैं कि भाई चुनाव में ओबीसी आरक्षण क्या कमलनाथ जी कोई सर्कुलर अध्यादेश कुछ भी लाए? नहीं लाए, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, वो इसलिए तो बच जाएंगे वो, क्योंकि वो लाए नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। भाई चुनाव से संबंधित कोई अध्यादेश नहीं लाए, झूठ बोलते हैं, बल्कि उल्टा इन्होंने शून्य करा दिया ओबीसी का आरक्षण, यही तो हमारा कहना है, और है क्या। हालांकि आप लोगों ने बातचीत तो सही तरीके से की नहीं, क्योंकि एक दूसरे की बात आप दोनों लोग नहीं सुनना चाह रहे थे और एक दूसरे पर आप लोग टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।